हेलो फ्रेंड्स, चैप्टर नंबर फर्स्ट की हम डिस्कस कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 8 आज रिफर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक्सप्लेन द रेंज ऑफ फंक्शन ऑफ फिजिक्स इन टर्म्स ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम। तीन फिजिकल क्वांटिटीज है, फर्स्ट है लेंथ, सेकंड है मास एंड थर्ड वन क्या है, टाइम है। तो सबसे फर्स्ट लेंथ के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो ये जो टॉपिक है उसमें हमें क्या पढ़ना है कि सबसे यूनिवर्स में सबसे कम लेंथ आप कितनी मेजर कर सकते हो और सबसे लार्जेस्ट कितनी आप मेजर कर सकते हो, स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ लेंथ। ठीक है, चलो तो यहाँ पे डिस्कस करते हैं। एट वन एंड इट स्टडीड द फेनोमिना एट एवरी स्मॉल स्क्वेल ऑफ द लेंथ 10^-14 मीटर। तो यहाँ पे बोला है 10^-14 मीटर और इवन लेस, उससे भी कम, मतलब सबसे स्मॉलेस्ट लेंथ कितनी हम मेजर कर सकते हैं, 10^-14 मीटर तक। क्लियर, इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। वो कहाँ पे, आप किस लेवल पे जाना चाहते हो, तो आप माइक्रो लेवल में आपको जाना पड़ेगा कि जहाँ पे हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ते हैं। क्लियर, तो न्यूक्लियस के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स ऑलरेडी आ गए, तो उसकी जो लेंथ है, न्यूक्लियस की रेंज है, वो अगर हमें मेजर करनी हो तो कौन से मेजर होगी, 10^-14 मीटर में, राइट। Then at other end it deals with the astronomical phenomenon at the scale of galaxies or even entire universe whose extent of order of 10^-16 meter. That means what? जो largest scale है वो अगर आपको define करना हो तो आपको किस में जाना पड़ेगा, astronomical phenomenon में जाना पड़ेगा, scale of galaxies और इवन एंटायर यूनिवर्स हुज एक्सटेंड ऑफ द ऑर्डर 10^-26 मीटर, मतलब पूरी गैलेक्सी या तो उससे भी ज़्यादा ऑर्डर में, मतलब 10^-26 मीटर की रेंज में आपको जाना पड़ेगा। एंड टू लेंथ स्केल्स डिफर बाय अ फैक्टर 10^-40 और इवन मोर, मतलब 10^-26 और डिवाइड स्मॉलेस्ट लेंस करो 10^-14, -14 ऊपर गया तो माइनस प्लस, दैट मीन्स 10^-40 मीटर टोटल अपना क्या मिलेगा, एक आपको रेशियो मिलेगा। क्लियर, सेकंड हम पढ़ते हैं मास के बारे में। द रेंज ऑफ मासेस गोज फ्रॉम 10^-30 के जी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन टू 10^-55 के जी मास ऑफ ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। द स्मॉलेस्ट मास कितना है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 10^-30 के जी, और जो लार्जेस्ट है मास ऑफ ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, जो हम यूनिवर्स में जितने भी कंटेंट्स हैं सबको हम जिसको हम देख सकते हैं उसका अगर पूरा मास को कंबाइन किया जाए तो कितना बनेगा, 10^-55। सो दैट 10^-55 हायर लेवल जो है ऊपर रखते हैं, डिनोमिनेटर पार्ट में रखते हैं, लोअर लेवल है 10^-30 के जी। ये पूरा मतलब 10^-30 ऊपर गया, माइनस प्लस हो गया, 10^-85 के जी का पूरा रेशियो हमारा बना। ठीक है, अभी थर्ड जो है क्वांटिटी उसके बारे में डिस्कस करते हैं। द रेंज ऑफ टाइम स्केल्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द स्केल बाय द स्पीड ऑफ लाइट 10^-22 सेकंड। सबसे स्मॉलेस्ट टाइम हम कितना मेजर कर सकते हैं, 10^-22 सेकंड, एंड लार्जेस्ट कितना बेटा मेजर कर सकते हैं, 10^-18 सेकंड तक। सो द रेशियो विल बिकम लाइक दैट, द हायर लेवल 10^-18 goes to upper side and the denominator parts having 10^-22 and the ratio will become 10^-40 second. So your smallest second time interval is 10^-22 and the higher level is 10^-18. So your ratio will become 10^-40 second. Clear? So we have three quantities, we have studied three quantities. First one is length, second one is mass and the third one is time. Now move on to the next question. How a refined theory is formed in a physics, explain with examples. Refined theory कैसे form होती है physics में, ठीक है। A good strategy is to focus first on essential features. कोई भी phenomena है, कोई भी मतलब things है, उसमें सबसे first बेटा आपको क्या essential उसके features देखने हैं। Strategy ऐसी है, कोई भी केस स्टडी करना हो आपको, कोई भी केस स्टडी अगर करना हो तो फर्स्ट यू हैव टू फोकस ऑन द असेंशियल फीचर्स एंड देन आफ्टर डिस्कवर द बेसिक प्रिंसिपल्स, उसमें कौन कौन से बेसिक प्रिंसिपल्स यूज हुए हैं, एंड देन इंट्रोड्यूस अ करेक्शंस टू बिल्ड अ मोर रिफाइंड थ्योरी ऑफ फेनोमिना। ठीक है, मोर रिफाइंड थ्योरी ऑफ फेनोमिना।
उसके बाद आपको उसमें क्या करना है, इंट्रोड्यूस अ करेक्शन, उसमें करेक्शन बिल्डअप करना है, उसमें करेक्शन करना है। उसके बाद आप रिफाइन थियोरी उसमें क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए एक हम एग्जाम्पल देखते हैं। रिफाइन थियोरी के लिए एक एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिया है, उसके बारे में पहले यहाँ पे स्टडी करते हैं। देखो, फॉर एग्जाम्पल ए स्टोन एंड ए फिदर ड्रॉप फ्रॉम द सेम हाइट। देखो यहाँ पे मान लो कि एच हाइट है, एच हाइट से हम एक टावर है उसकी एच हाइट है, वहाँ से एक स्टोन ड्रॉप कर रहे, वही सेम टाइम में यहाँ से एक फिदर यहाँ पे ड्रॉप कर रहे, तो क्या होगा? तो आपको पता है यहाँ पे अर्थ पे ग्रेविटी होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा तो स्टोन और फिदर दोनों नीचे की साइड अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, हाइट तो देखो, ड्रॉप फ्रॉम द सेम हाइट डू नॉट रीच द ग्राउंड एट द सेम टाइम। ये तो दोनों एक साथ टाइम में नीचे नहीं गिरते, तो ऐसा क्यों होता है? तो आप बोलोगे सर इसका मास ज़्यादा और इसका मास कम है, क्योंकि स्टोन का मास लेट से m1 है और इसका मास कितना है, m2 है, तो m1 इज ग्रेटर देन m2, ये है। ठीक है, तो आप ऐसा बोलोगे सर इसका मास ज़्यादा इसका मास कम है इसलिए, बट एक्चुअल में ऐसा है नहीं। यहाँ पे बेटा जब भी स्टोन नीचे गिरता है, फिदर नीचे गिरता है, तो असेंशियल दूसरी एक प्रॉपर्टी ऐसी होती है, ठीक है, तो उसमें जो एयर का रेजिस्टिव फोर्स होता है वो भी मैटर करता है, क्योंकि उसमें फ्रिक्शन होता है, एयर का रेजिस्टिव फोर्स, आया समझ में? तो उसके बेसिक प्रिंसिपल भी हमें पढ़ने पड़ते हैं, तभी जाके समझ में आता है। यही एग्जांपल को दूसरी तरफ से समझते हैं। देखो, फॉर सेकंड एक्सपेरिमेंट द स्टोन एंड द फिदर फॉल थ्रू ए लॉन्ग इवेक्यूएटेड ट्यूब। इवेक्यूएटेड ट्यूब का मीनिंग होता है जिसमें कोई एयर नहीं होती और एक्सटर्नल एजेंसीज, एक्सटर्नल फैक्टर्स उस ट्यूब को कभी अफेक्ट नहीं कर सकते, उस टाइप की ट्यूब उसको बोलते हैं इवेक्यूएटेड ट्यूब। इन दैट केस द टू ऑब्जेक्ट्स विल फॉल ऑलमोस्ट एट द सेम रेट। देखो, यही दोनों चीज़ को जब हमने एक इवेक्यूएटेड ट्यूब में जब फिल किया, उसके बाद ऊपर से फॉल किया, तब क्या हुआ? तो ऑब्जेक्ट्स विल फॉल ऑलमोस्ट एट द सेम रेट, ऑलमोस्ट एट द सेम रेट, दोनों सेम रेट से ही नीचे गिरे, तब तो ये कहाँ गया, m1 ग्रेटर देन m2, तो ये तब तो ये रॉन्ग हो गया, आया समझ में कि नहीं? तो यहाँ पे जो भी एक्सपेरिमेंट था वही सेम यहाँ पे होना चाहिए। तो इन दैट केस द टू ऑब्जेक्ट्स विल फॉल ऑलमोस्ट एट द सेम रेट गिविंग द बेसिक लॉ दैट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी से जो भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है ऑलवेज मास से इंडिपेंडेंट होता है। क्या होता है? मास से इंडिपेंडेंट होता है। अगर वो डिपेंडेंट होता तो यहाँ पे और यहाँ पे ये दोनों में डिफरेंट डिफरेंट केस आपको जनरेट होते, ठीक है, इसलिए यहाँ पे हम बोल सकते हैं इंडिपेंडेंट है। क्या है? इंडिपेंडेंट। आया समझ में? आपको बेटा तीन क्वांटिटीज़ की रेंज याद रखनी है मोस्टली। लेंथ में कितना होता है, लोवेस्ट, फिर से एक बार रिवाइज करते हैं, लेंथ में बेटा कितना होता है, 10^-14 मीटर, कितना होता है, 10^-14 मीटर, और उसमें हायर लेवल कितना होता है, 10^-26 मीटर। मास में कितना होता है, 10^-13 30 केजी, और हाईएस्ट कितना होता है, 10^-55 केजी। टाइम में लोवेस्ट कितना होता है, 10^-22 सेकेंड, एंड हाईएस्ट कितना होता है, 10^-18 सेकेंड। और उसके बाद का क्वेश्चन है, उसमें हमें एक स्टोन और दूसरे एक फिदर का एग्जाम्पल अच्छी तरह से समझना है, तब जाके अपना पूरा जो क्वेश्चन है दोनों वो क्लियर हो सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।